आपने भी कभी ना कभी अमेज़न या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की होगी, लेकिन क्या आपने कभी इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर लिस्टेड कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे रिफर्बिश्ड नाम पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या होता है? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें पहले किसी ने परचेज किया था, लेकिन उसके बाद किसी कारण इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर या रीसेलर को रिटर्न कर दिया जाता है। इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शायद उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया हो, या फिर उस प्रोडक्ट में कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। मैन्युफैक्चरर इन प्रोडक्ट्स को वापस लेने के बाद में उनमें से वो सारे डिफेक्ट्स को सही कर देता है और उसके बाद में सेम प्रोडक्ट को रिफर्बिश्ड, रीन्यूड, प्री ओन्ड जैसे टैक्स के साथ उन्हें सेल करने के लिए वापस लिस्ट कर देता है। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स अक्सर आपको डिस्काउंट के साथ में मिलते हैं और इनको लेना गलत नहीं होता, लेकिन अगर आप इनको लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो बस ये चेक कर लेना कि जिस वेबसाइट से आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हो वो वेबसाइट ट्रस्टेड है या नहीं। तो अब आप बताइए, क्या आपको इस वीडियो से पहले ये जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।